जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RS न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले से पहले आई बुरी खबर, बारिश ने डाला मैच में खलल, अब फाइनल मुकाबले के लिए लिया गया ऐसा बड़ा फैसला कि जानकर आप भी रह जाओगे हैरान। तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले से पहले आखिरकार बारिश के आ जाने से अब क्या मैच की टाइमिंग हो गई और क्या बड़े बड़े बदलाव अब मैच के दौरान किए गए हैं, पूरी डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वहीं दोस्तों यहां पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले खेल भावना का ख्याल रखते हुए कप्तान विराट कोहली ने दिया दिल छू लेने वाला बयान, कहा कुछ ऐसा कि पूरा भारत देश अब कर रहा है विराट कोहली को सलाम। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी फाइनल मुकाबले में बारिश को लेकर BCCI ने जारी किया बड़ा बयान, अगर लगातार होती रही बारिश तो BCCI नहीं खिलवाएगा भारतीय टीम का फाइनल मैच। तो दोस्तों इस खबर के बारे में भी जानेंगे, तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला सफलतापूर्वक करवाया जाए तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल RS न्यूज पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला आज यानी कि 18 जून से शुरू होगा, जहां पर चैंपियनशिप के पहले खिताब को जीतने के लिए एक दूसरे को जोरदार टक्कर भारतीय टीम और न्यूजीलैंड की टीम देते हुए नजर आएगी। तो वहीं दोस्तों क्रिकेट फैंस इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं अगर मौसम विभाग की तो बारिश इस फाइनल मैच का मजा किरकिरा कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, उसी तरह जिस तरह खाते वक्त मुंह में अचानक से पत्थर आ जाए और सारा स्वाद किरकिरा हो जाता है, उसी तरह से ये फाइनल मैच का मजा भी अब किरकिरा होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसक फिलहाल कुछ ऐसे ही महसूस कर रहे होंगे, और वो इसलिए क्योंकि एक तरफ टेस्ट क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले के शुरू होने में चंद ही घंटे बचे हुए हैं और वहीं दूसरी ओर बारिश की आहट और आमद ने भारत और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों समेत प्रशंसकों के माथे पर चिंता की लकीर डाल दिया। तो वहीं चिंता इसलिए ज्यादा है क्योंकि 18 जून से विराट कोहली की अगुवाई में भारत और केन विलियमसन की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की टीमों के बीच में ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले के शुरू होने से पहले ही बारिश विलन बन गई है। और फाइनल से एक दिन पहले यानी कि 17 जून को साउथहैम्पटन में जोरदार बारिश हुई है। और आइए आपको बताते हैं कि अब आगे आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहने वाला है। दोस्तों अगर हम बात करें भारत और न्यूजीलैंड के बीच में इस मुकाबले की, तो ये मुकाबला 18 जून से लेकर 22 जून तक चलेगा, जहाँ पर सबसे बड़ी समस्या बारिश को लेकर जो जारी किया गया बयान है वो है। दरअसल अगर सब कुछ भविष्यवाणी के अनुसार होता है तो इस मुकाबले में बारिश हो सकती है। वेदर चैनल और AccuWeather वेदर की माने तो दोनों ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच जाने वाले फाइनल में बारिश की भविष्यवाणी किया। वहीं AccuWeather के मुताबिक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले 61% बारिश हो सकती है, और वहीं वेदर चैनल के मुताबिक 90% बारिश बताई गई है। और वहीं फाइनल के दूसरे दिन स्थिति कुछ बेहतर होगी और इस दिन 25% बारिश होने की संभावना है। तो वहीं AccuWeather के मुताबिक टेस्ट मैच के पांचवे और अंतिम दिन 62% बारिश होने की भविष्यवाणी की गई है। और वहीं अगर बारिश से खेल प्रभावित तो होता है तो ICC ने 23 जून का दिन रिजर्व डे के तौर पर रखा है। और वहीं दोस्तों ये काफी ज्यादा चिंता का विषय है क्योंकि अगर लगातार बारिश होती रहती है तो भारत को अपनी रणनीतियों में काफी बड़े बड़े बदलाव भी करने पड़ेंगे। जैसे कि भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मैच में 2 स्पिनर और 3 गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरेगा, लेकिन बारिश की भविष्यवाणी को देखते हुए टीम इंडिया अपनी रणनीति में भी बदलाव कर सकती है। और शायद नम विकेट पर भारत 2 स्पिनर के साथ शायद ही खेले क्योंकि सूखे विकेट पर स्पिनर्स को मदद मिल जाती है। तो ऐसे में दोस्तों एक काफी बड़ी अपडेट है, बाकी आपका क्या कहना है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बारिश के खलल के बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली खबर निकल कर आ रही है वो ये है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से एक दिन पहले खेल भावना का ख्याल रखते हुए कप्तान विराट कोहली ने दिया दिल छू लेने वाला बयान। जी हां दोस्तों, भारतीय कप्तान विराट कोहली का कहना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला महज एक टेस्ट मैच है और इससे विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीम का फैसला नहीं होना है। भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ शुक्रवार से यहां हैम्पशायर बाउल में WTC का फाइनल मुकाबला खेलना है। वहीं कोहली ने मैच की पूर्व संध्या पर पत्रकार वार्ता में कहा, हम सिर्फ कल से शुरू हो रहे एक टेस्ट मैच को नहीं देख सकते, हमें उन सभी 6 टेस्ट मैचों को देखना है जो हमें इंग्लैंड में खेलने हैं। WTC फाइनल किसी चीज को प्रतिबिंबित नहीं करने जा रहा है, लोग जानते हैं कि
पिछले 4-5 सालों में क्या हुआ है। हम लोग उत्कृष्टता में खेल रहे हैं और हम जानते हैं कि एक टीम के रूप में हम क्या है। हमारे लिए यह एक अन्य टेस्ट मैच की ही तरह है। तो उन्होंने काफी बढ़िया बयान दिया। बाकी आपकी क्या राय है विराट कोहली के बारे में, आप अपनी गिनती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जिसके आप सभी को पता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 18 जून को साउथैम्पटन के मैदान पर शुरू होगा, जहां पर विराट कोहली की सेना ने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर खत्म किया था। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम इस पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर थी और ऐसे में पहले नंबर की टीम और दूसरे नंबर की इन दोनों ही टीमों ने फाइनल मुकाबले में अपनी जगह बनाई और जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था वो पल अब आ चुका है। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि इस बड़े मुकाबले पर दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों की नजर है और इस बार दर्शकों की गैर मौजूदगी में होने वाले इस मुकाबले को लोग ज्यादा से ज्यादा टीवी पर देखने की कोशिश करेंगे। मुकाबला दी रोज बाउल में खेला जाएगा जो कि साउथैम्पटन में स्थित है। तो वहीं आप सभी इस मैच का लाइव प्रसारण अगर इंग्लिश में देखना चाहते तो स्टार स्पोर्ट्स 1 और स्टार स्पोर्ट्स 1 HD पर देख सकोगे और अगर आपको हिंदी में देखना है तो स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी पर आप सभी इसका लाइव प्रसारण देख सकोगे। हम बात करें तो टॉप ऑर्डर आप सभी को रोहित शर्मा और शुभमन गिल संभालते हुए नजर आएंगे। तो वहीं तीसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा का नाम रखा गया, चौथे नंबर पर विराट कोहली, पांचवें नंबर पर अजिंक्य रहाणे, छठे नंबर पर ऋषभ पंत, फिर रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह को भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। कि यही थी भारत की प्लेइंग 11 टीम और अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में और आपको क्या लगता है क्या भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच जीत पाएगी या फिर नहीं। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, पत्नी संजना ने लिया बुमराह का मजेदार इंटरव्यू, शर्टलेस फोटो को लेकर भी दिया मजेदार जवाब। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, जहां पर यह महामुकाबला 18 जून से साउथैम्पटन में खेला जाने वाला है। और वहीं इस फाइनल मैच से पहले जसप्रीत बुमराह और उनकी पत्नी संजना गणेशन का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जहां पर इस इंटरव्यू को आईसीसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडलर पर शेयर किया और इस इंटरव्यू में संजना गणेशन अपने पति जसप्रीत बुमराह से तस्वीरों के जरिए उनकी जिंदगी की यादों को दोबारा से याद करने का मौका देती है और इसके साथ ही ये पहला मौका है जब संजना और बुमराह एक साथ किसी इंटरव्यू में देखे गए हैं। और वहीं दोस्तों जब संजना ने बुमराह से इस इंटरव्यू के दौरान उनकी शर्टलेस तस्वीर के बारे में पूछा तो भारतीय तेज गेंदबाज ने भी अपनी पत्नी की चुटकी लेते हुए कहा कि ये फोटो तुमने सेलेक्ट किया ना, तब संजना कहती है कि नहीं ये पिक्चर मैंने सेलेक्ट नहीं की। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।